इस शो के अंदर मैं तीन चीजों को सिखाऊंगा आपको, तीन लोगों की हमें इज्जत करनी है। पहला है एचआर। आप हंस रहे हो, मैं ये शो बनाया मैंने इसलिए कि मैं एचआर की रिस्पेक्ट करना सिखा सकूं। दूसरा है हस्बैंड और तीसरा आखिरी में है इंजीनियर। आप ऐसे कर तीनों को एक ही बंदा निकल पाए तो तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत है। बट बेस्ट पार्ट इज कि मैंने अपनी जिंदगी में ना इंजीनियरिंग इसलिए नहीं की थी कि मेरा सपना था इंजीनियरिंग बनने ना, कभी इंजीनियर बनने का सपना नहीं था। मेरे पड़ोस में डीडी फ्लैट में किसी के 3.5 लाख का पैकेज लग गया था, बीटेक करके 3.5 लाख, और उन्होंने बताया कि हर साल देंगे। मैं तो पागल हो गया, मैंने कहा इतना पैसा हर साल दे रहे बहुत है। फिर किसी ने बताया कि बुद्धू एक बीच में आता है एक एचआर, वो आपको बोलेगा सीटीसी है 12 लाख रुपए, इन एंड आएंगे 12 रुपए। फिर आप बोलोगे बीच वाले पैसे कहाँ गए, कहीं चिड़िया ले गई। ये होता है, जिंदगी खराब होती है। मैंने कहा ठीक है, और मैंने भैया क्या करना चाहिए, भैया ने बताया मुझे आपको कुछ नहीं करना, आपको 11th 12th में साइंस लेनी है, उसके बाद AIIIT देना है, उसके बाद कहीं भी होगा तो देखा जाएगा। मैं कहा डन। भाई मेरे को ऐसे पता लगा मैंने 11th 12th में भाई घर से निकलना ही बंद कर दिया। घर वाले कह रहे भाई बहुत सीरियस हो गया लड़का ये, मैं रात दिन पढ़ाई कर रहा हूँ। आप मानोगे नहीं, 12th का जब मेरा रिजल्ट आया, मुझे आज याद है जब मैंने वो था ना डेस्कटॉप पे देखते हो आप रिजल्ट, जब रिजल्ट आया भाई बेस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट्स था मेरा 55%। यार समझो नहीं तो नंबर कम थे, मेरी नॉलेज पूरी थी। आप समझो, मैं समझाता हूँ, समझो। CBSE में क्या होता है, हर क्वेश्चन पेपर में आखिरी के 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 5 मार्क्स ईच, दोनों के बीच में एक और होता है। मुझे हमेशा एक क्वेश्चन के दोनों आते थे। तो नॉलेज मेरी पूरी थी बट नंबर कम थे। तो मैं कहा ठीक है, हमने दिया AIIIIT, क्योंकि तब AIIIIT चलता था, मैंने IIT दिया ही नहीं। मैंने कहा मैं 1000 रुपए का फॉर्म भर के ये मुझे बताएंगे कि तुम यहां नहीं आ सकते। मैंने करी 1000 की पार्टी, मैंने कहा मैं यहां नहीं आना चाहता। अपना एटीट्यूड अपने पास, हम गए ठीक है। 3 महीने निकले घर पे, 3 महीने के बाद एक काउंसलिंग का फोन आया, कह रहे आप आ सकते हैं। मैंने कहा जी कब आना है, कह रहा बस अभी आ जाओ अभी, कह रहा पैसा लेकर आना। मुझे लगा फ्रौती हो रही है मेरी। हमने अपनी फैमिली को बैठाया गाड़ी में, हमने कहा फटाफट चलो बस आज ही मिलना है, भविष्य हमारा है। हम पहुंचे, मुझे आज बताए काउंसलिंग पहुंचा, काउंसलर ने 4 कॉलेज के ब्रोशर रखे, कह रहा चूज एनी। मैंने अपने माँ के पैर छुए, जैसे खड़ा हुआ उसने टर्न किया, कह रहा पर चारों ही घटिया हैं। इनफैक्ट ही कोटेड, कह रहा इससे बड़े तो आप फॉल पिको का काम सीख लो। उसने बताया, मैं तो कह रहा इससे बड़े रहेगा, मैं कहा इससे बड़े, कह रहा नहीं। मैंने कहा मुझे अपनी गाड़ी के लिखवाना है C++, दिस नर इज एन इंजीनियर, 10 के फूल 20 की माला, ये बंदा बीटेक करके माना। यही सपने, छोटे छोटे सपने मैम, सपने छोटे छोटे होते हमारे, यही थे। मैं कहा ठीक, तो कह रहा 4 में से 1 चूज कर लो। देखो आप लोगों ने अपना कॉलेज चुना होगा, जिसकी रैंक देखी होगी, प्लेसमेंट देखी होगी, राइट, एलुमनी देखी होगी, ये सब कुछ देखा होगा। हमने कुछ नहीं देखा क्योंकि बैगर्स कांट बी चूजर्स। हमने 4 ब्रोशर इकट्ठा किया, देखा किसकी बिल्डिंग सुंदर बनी है। मैं कैसे बताऊं भाई, एक कॉलेज के ब्रोशर में बिल्डिंग इतनी सुंदर, ऐसा लगा जैसे करण जौहर कॉलेज। कि ऐसा लगा जैसे ब्रोशर में कॉलेज का गेट खुलूंगा, लड़की निकलेगी, हे यू कम इनसाइड, ऐसा लगा मुझे। मैंने कहा ये दे दो, कह रहा कौन सा कोर्स, मैंने कहा ये भी तय करना है। मैंने कहा कौन सा अवेलेबल है, कह रहा सारे ही, कह रहा सभी कोर्सों के रोल नंबर 1 आप ही हो। मैं कहा चलो ये ठीक है, दे दो डन। अब मैं आपको ना 10 मिनट अपने कॉलेज के बारे में बताऊंगा, पर मैं आपको कॉलेज का नाम बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने 100 लोगों को अपने कॉलेज का नाम बताया तो वहां से 19 लोगों ने मुड़ के पूछा है ये कहां पड़ता है। तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपने घर में किसी बच्चे का एडमिशन ऐसे कॉलेज में मत कराना, क्योंकि जिस कॉलेज की खुद की प्लेसमेंट सही नहीं है। वो आपकी प्लेसमेंट के बारे में कोई ध्यान नहीं रखेगा। वो गए आप शहर से बाहर हाईवे पे, आप देखते हो द नदी, द पहाड़, द झरना,
उसके बाद गाय माता और अचानक से एक ग्रे रंग की बिल्डिंग। आप गाड़ी से कुत्ते की तरह मुंह निकल के देखते हो, ये किसने बनाया हुआ यहां पर आके। दोस्तों वो मेरा कॉलेज था। वो देखे आपने खेतों में अकेले कॉलेज, जिसके पास ना बंदा ना बंदे की जात। आप बिलीव करोगे, मेरा कॉलेज खेत में इतना अकेला था कि मेरे कॉलेज का लैंडमार्क मेरा कॉलेज ही था। मेरा ऐसा मानना है कि जब पहली बार मजदूर उस कॉलेज को बनाने वहां पहुंचे होंगे, तो पहुंचते ही उन्होंने ऐसे ग्रुप हक किया होगा और आपस में डिस्कस किया होगा कि एजुकेशन हर जगह पहुंचनी चाहिए थी, बट यहां तक नहीं। आप एजुकेशन को काफी आगे खींच लाए, इसको स्ट्रेच मार्क्स आ गए होंगे। ऐसा अब हम पहले दिन कॉलेज के एक्सप्रेस से जा रहे हैं, नीचे रास्ता टूटा हुआ था। एसएल वर्ल्ड में जाऊंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं, पर हमारा कॉलेज आ गया। अब जैसे ही मैं बस से उतरा, मैंने कॉलेज की बिल्डिंग देखी, मेरे सपने टूट गए। मैंने गौर तारा खत्म ही हो गए, क्योंकि जैसा ब्रोशर पे कॉलेज दिखता था वैसा वो बिल्कुल भी नहीं दिखता था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तब भी इतना मासूम कि मैंने डीन से पूछा, मैंने कहा कहीं ये कॉलेज का उल्टा मुंह तो नहीं। कह रहे सीधा भी इतना गंदा ही दिखता है ये। हम कॉलेज में घुसे भाई, ऐसे एकदम से बुरा। तो डीन ने एड्रेस किया, कह रहा देखो बेटा, अच्छे कॉलेज से घटिया कोर्स करने से बढ़िया है घटिया कॉलेज से। आप काफी लोग गए हो ऐसे कॉलेज। हम कॉलेज में घुसे। अब हमारे कॉलेज में कोई बच्चे होते हैं ना स्पोर्ट्स में इंक्लाइंड, तो उन्होंने पूछा कि सर हमारे कॉलेज का कैंपस कितना बड़ा है। तो सर कहते जहां तक तुम्हारी आंखें जाएं। एजुकेशन हैज नो बाउंड्रीज। मैं कहा पर धरती का तो अंत है। कहता तुम्हारा ही है ये खेत, खेलो कूदो जोतो, जो मर्जी उगाओ। हम लोगों ने अपने दिल को खुश करने के लिए ग्राउंड में एक एक पेड़ लगाया, किसी ने आम का, किसी ने शहतूत का, मैंने डिसअपॉइंटमेंट का पेड़ लगाया अपने कॉलेज में। और इस कॉलेज में हम घुसे, फर्स्ट दिन हमें पता लगा कि हमारे कॉलेज में यूनिफॉर्म, वो भी चारों साल। किसी रही है चारों साल यूनिफॉर्म? एक लोग ही रही रहती है। ब्रदर आपकी यूनिफॉर्म का पर्पस है यूनिफॉर्मिटी एंड इक्वलिटी मेंटेन करना, हमारे कॉलेज का पर्पस ये नहीं था। हमारे कॉलेज की यूनिफॉर्म लगाई थी कि पता लगे खेत में बच्चा कहां बैठा है और गाय कहां बैठी हुई है। सिंपल पर्पस। नेक्स्ट दिन है पता लगा कि सीनियर रैगिंग हमारी रैगिंग। किसी की रैगिंग हुई है कॉलेज में कभी? रैगिंग रैगिंग क्या करता सर आपसे रैगिंग आपसे सर पिछवाड़े से स्पेलिंग्स सर हमें समझ नहीं आ रहा, एक बार अगर आप पेन है मेरे पास। खुश तुम सारे हो गए थे। नहीं नहीं सर कोई बात है, आपकी वाइफ के साथ, वाइफ के साथ। मैम कैसा लग रहा है आपको बात सुन के? आप मैं तो आपका जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है बात सुन के। अभी रास्ते में जाएंगे ना ऑकवर्डनेस होगी घर जाते हुए। पता था आपको बात? अरे वाह तभी शादी की आपने। पर इतिहास की हमारी भी सबसे ब्रूटल रैगिंग, ये तो कुछ भी नहीं है बताता हूँ आपको। हमारे सीनियर ने अनाउंस किया हॉस्टल में कि सब लोग ग्राउंड में इकट्ठे हो जाओ। हम ग्राउंड ढूंढ रहे। यार खेत में लगा अलग से ग्राउंड बना होगा ना, हम भी बेवकूफ थे। ऑफिस सबको इकट्ठा किया ग्राउंड में। आप सोचो 250-300 लड़का खड़ा हुआ है ग्राउंड में, और सबसे बोला सब अपनी आंखें बंद करो। और सब ने अपनी आंखें बंद करी और बोले अब हमारे लिए प्रेयर करो कि हमारी प्लेसमेंट हो जाए। ये हमारी रैगिंग थी। अब सर आपको पता है फर्स्ट ईयर में होती है वर्कशॉप, एनी आइडिया अबाउट वर्कशॉप? इसलिए कराते हैं कि बाय चांस आपकी जॉब ना लगे। तो आपको पता है कि जीवन में क्या करना है आपको टूल बॉक्स के साथ। हमारी वर्कशॉप हुई नहीं, हमारी वर्कशॉप, हम डीन के पास गए सर वर्कशॉप करानी है। मैंने सर करिकुलम में लिखा, कह रहा दो दिन के बाद तैयार हो के आना सारे, तब कराएंगे। हम दो दिन एक्साइटमेंट में मर गए। दो दिन के बाद जैसे पहुंचे, आप बिलीव नहीं करोगे, खेत के पीछे लेकर हमारे को वहां पे था गड्ढा। कहता तुम लोगों को बनानी है वर्कशॉप। कहते ये है तुम्हारा लाइफ प्रोजेक्ट। आप लोगों ने लोगों का करियर बनते देखा, मैंने अपना कॉलेज बनता हुआ देखा है।
इनफैक्ट बनाया है। आप मक्षीन करो, जिन लोगों ने सीमेंट इमेंट घोला, बदरी घोली, उनको सी ग्रेड मिला वर्कशॉप, जिन्हें ईटे ठाई उनको बी, भाई ए तो उनको मिला जिन्होंने लैंड डाला। हम यहाँ मट्टी में सन के जा रहे हैं, घर वाले कह रहे तुम पढ़ने जाते हो खेलने जाते हो। मैंने कहा खेल तो हो रहे हैं हमारे जज्बातों के साथ। अब मुझे लगता था हर दिन अपने घर से जाने में ढाई घंटा, कॉलेज से ढाई घंटा, कॉलेज जाने घर, और हर दिन ढाई घंटा वापस आने में लगता था कॉलेज से। और आपको मेरा एटीट्यूड देख के समझ में आ गया कि मैं कॉलेज की बस के अंदर पढ़ाई तो करूंगा नहीं, कोई नहीं पढ़ता कॉलेज की बस में। तो अब हमें गंदी रत लगी कॉलेज के बस के अंदर पत्ते खेलने की। अब बस आप इमेजिन करो कि आप हर दिन ढाई घंटा सुबह सुबह खेलो पत्ते, फिर शाम को आप रिवाइज कर लो पत्ते। अब लीव भी करोगे, 6 महीने पत्ते खेलते खेलते मेरा एक दोस्त था, उसके परमानेंट ऐसे हाथ हो गए थे, फिक्स हो गए थे उसके ऐसे। गड्डी रखो शेफलों के यहां जाती थी। इस बंदे को पत्ते खेलने का इतना गंदा नशा, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स एग्जाम हो रहा है। मैंने कहा क्या करूं, कह रहा बहुत टेंशन। मैंने कहा क्या करूं, कह रहा एक बार 3 पत्ती खिला दे। मैंने इसके लिए एग्जामिनेशन हॉल के लास्ट डेस्क पे पत्ते बिछाए हैं, पर टीचर की नजर पड़ गई, टीचर भागती आई, पर थैंक्स टू हिज मोल्डेबल हैंड्स इसने पत्ते हाथों में खींच लिए। टीचर आई, कह रही वेयर आर द कार्ड्स, कह रहा मैम नोवेयर। आपने मूवी देखी नाउ यू कैन सी मी, मैजिकल मूवी, जब मैडम मुड़ी तो मैडम के जूड़े में था इक्का। एंड आई कैन टेल यू, इस तरह के बच्चे ना जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि हमारे बैच में सबसे अच्छे पैकेज पे कोई बच्चा जो आज डेट में लगा हुआ है वो ये है, क्योंकि अब ये गोवा के कैसीनो में पत्ते खिलाता है। तो लाइफ तो उसकी सेट हुई है। अब आपको तो जैसे हमारी वर्कशॉप बहुत लेट स्टार्ट हुई, धीरे धीरे हमारी वर्कशॉप स्टार्ट होने लगी, हमने कहा वर्कशॉप कुछ होगी हमारी। अब इतनी लेट वर्कशॉप हुई, जिनको नहीं पता वर्कशॉप के बारे, अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं, आई विल एक्सप्लेन। वर्कशॉप में क्या करते हैं कि हमें ना मेडल का पीस कटवाते हैं, उसको फाइलिंग करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, मतलब आपको उसे घिसना पड़ता है, और परफेक्ट स्क्वायर उनके पास एक एल टूल होता है, उसके अंदर वो पीस लगा के देखते हैं कि लाइट पास नहीं होनी चाहिए, इतना परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको, ये होता है। ठीक है, हमारी वर्कशॉप लेट स्टार्ट हुई, हम बहुत एक्साइटेड थे कि हम कुछ काम करें, हमने सब लोगों ने मेटल पीस काटे, सब लोग फाइल करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। एक दोस्त ने तो इतना परफेक्ट बनाया कि हमें लगा कि कोई बना भी सकता था। उसका देखा हमने, हमारा तो हाथ कांप गया। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, तो कह रहा सर के पास लेके जा रहा हूँ। हमें लगा भाई पहली बार हमारे सर लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे किसी बच्चे को। वो सर के पास ले गया, सर भी कह रहे हैं चेक कर लो, अगर गलत निकला ना तो बता रहा हूँ फेल कर दूंगा। कह रहा कर लो, उसकी भी लगा अच्छा इतना कॉन्फिडेंस। सर ने ऐसे पीस उठाया और उसके अंदर फिट किया और वो परफेक्ट फिट था। सर ने बोला परफेक्ट। अब हमें लगा सर कुछ कॉम्प्लीमेंट देंगे, तो सर कहते सच्ची बता पहले कहाँ काम करता था। ये किस तरह का कॉम्प्लीमेंट हुआ भाई, हमने तो अपने सही पीस खराब करा। हमने कहा हम ही नहीं सुन सकते इस आदमी से कभी भी। इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं भाई, इस कॉलेज में कुछ नहीं। आपके कॉलेज के पास कुछ था हैपनिंग चीज लाइक मॉल, ढाबा, गर्ल्स हॉस्टल? गर्ल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हाँ, या ठेका टपरी क्या था कॉलेज के पास? ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ। आप लोग हमारे कॉलेज का ना बंदा ना बंदी की जात, फिर भी आप बिलीव नहीं करोगे हमारे कॉलेज ने हमें 4 सालों में ये सौभाग्य दिया एक हैपनिंग की देखने का। यार भाई मैं कैसे भूल जाऊं, मैं तो अभी याद है, टच वुड करता मैं ऐसे। भाई एक दिन 4 सालों में हमारे कॉलेज के बाहर 2 आदमी कुत्ते की तरह लड़ रहे थे, और 2 कुत्ते उनको आदमी की तरह देख रहे थे, कह रहे हमसे अच्छा तो ये भौंकते हैं भाई, हम तो व्यर्थ बदनाम हो रहे हैं जिंदगी में। ये है हमारा कॉलेज भाई। मैम इस कॉलेज में कुछ नहीं, एक तो कॉलेज में थी 75% अटेंडेंस, हमारी टीचर की पूरी नहीं होती थी, टीचर की पूरी नहीं हो पा रही, बताओ अटेंडेंस हमारी। कह रहे एक दिन हम सब ने बंक मारा तो टीचर ने बंक भी मार लिया, हम दोनों ही बाहर बैठे हुए हैं रोड पे, हाईवे पर। उन्होंने हमारी आंखों में देखा, हमने उनकी आंखों में देखा, कोई बात नहीं बंक होगी सबकी, ये जिंदगी चल रही है भाई। इस कॉलेज में कुछ नहीं था भाई। बस एक बार आप लोग कॉलेज से कहाँ गए घूमने के लिए, कभी गए हो? कहाँ गए हो? कश्मीर, ब्यूटीफुल प्लेस मैम। हम गए थे आगरा, नॉट अ बैड प्लेस टू गो, बट इसलिए गए थे क्योंकि जिस खेत में वो कॉलेज था उस गांव के प्रधान के बेटे की शादी थी। हम बराती बन के डांस करने गए थे उसमें।
उसमें बराती में डांस करते थे ऐसे हम लोग ऐसे। शादी का पूरा एल्बम बड़ा मेरे पास आ दीदी। 3.5 साल बड़ी मुश्किल से मैंने इस कॉलेज में काटा है, बड़ी मुश्किल से। और वो टाइम है जिसका इंतजार, जिसे आप कहते हो प्लेसमेंट। हम डीन के पास भागे गए, सर प्लेसमेंट क्या रहा, करानी है। ये मुझे एटीट्यूड आज भी नहीं समझ में आया। मैं कहा सर करा दो, करा दो दिन के बाद तैयार हो के आना। हमें लगा ये मास रिक्रूटमेंट है, समझते हैं मास रिक्रूटमेंट, कि खेतों में खड़े होंगे ट्रक, 25 लोग इन्फोसिस जाओ, 25 लोग ऐसे ले जाओ और तुम एकला चलो रे। अब हम आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम लोगों ने अपने माँ बाप के पैर छू लिए कि माँ बाप आपने हमारी लगभग 4 साल फी जमा करी है, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम घर को फाइनेंशियली आगे ले जाए। कुछ लोग इसमें भी आगे निकल गए, मोहल्ले में अपनी बंदी को बोला है, कह रहे कल तुझे मैं यहां से ले जाऊंगा। दोस्तों वो मैं था। गर्ल्स डू रिमेंबर, एक बार को करण अर्जुन आ सकते हैं बट ऐसे लड़के नहीं आते। अब आप यकीन करो, हम मंडे को बिल्कुल क्लीन शेप, उबले अंडे की तरह, जैसे मैं अभी दिख रहा हूं, क्लीन शेप उबले अंडे की तरह, सब कॉलेज क्योंकि लड़के क्लीन शेप और अंडे लगते हैं भाई, सारे असेंबल होके पापा की घड़ी मांग ली, भाई के फॉर्मल शूज मांग लिए, पैंट मांग लिया, तभी लड़के अच्छे। हम सब पहुंच गए कॉलेज और प्लेसमेंट की इतनी एक्साइटमेंट कि हम कपड़ों का बैग साथ लेकर आए थे कि जैसी प्लेसमेंट होगी उनके साथ स्कूटर बैठ के चले जाएंगे। हम नहीं रुक रहे, ये हमारा एटीट्यूड है। ठीक है ऐसे, ठीक है। अब हम पहुंचे खेत में, 250 बच्चा बैठा हुआ है। आप वो सीन इमेजिन नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो आई विल गिव यू दैट चांस। कभी आपने देखा है लेबर चौक? मैंने अबाउट लेबर चौक, नो आपको नहीं, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। इफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट अराउंड 7ish, देन आपकी सोसाइटी में एक चौक होगा जहां पे सारी लेबर ऐसे बैठी होती है। द फन फैक्ट इज यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू पिक योर मैन कि भैया आप करोगे हमारे घर का काम, ऐसा तो वो होता है। तो अब हम बैठे हुए हैं, 2 घंटे लगभग हुए थे, कोई नहीं आया हमें लेने के लिए। हम अंडे पूरी तरह उबल रहे थे। फिर हम सब लोगों ने ये डिस्कस किया कि हम कुछ लड़कों को हाईवे भेजेंगे। 3 लड़के हाईवे पहुंचे और वो बोर्ड लेके खड़े हैं, प्लेसमेंट अवेलेबल। लगभग 3 घंटे के बाद हमें कोई लेने नहीं आया, कुछ नहीं था हमारे पास जिंदगी में, इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं भाई, लगा कहाँ गलत कर लिया हमने। उसके बाद हमें डीन की गाड़ी दिखी एक्सप्रेस वे से आती हुई, वो एसएल वर्ड करती हुई आई, डीन साहब स्टेज पर आए, हमें लगा बोलेंगे सॉरी आई विल सी व्हाट आई कैन, भाई वो उस एटीट्यूड का था ही नहीं उस दिन, उसका एटीट्यूड अलग था हमारे पास। वो आया स्टेज पे और बोलता ऑल द बेस्ट, ये भी नहीं ये इंडिविजुअली बोला हूं सबको, कह रहा टू ऑल ऑफ यू भागो। हमने कहा सर प्लेसमेंट, तो कहते बाय चांस अगर कहीं हो जाए तो जस्ट लेट मी नो, मैं तुम्हारी ब्रोशर में फोटो डाल दूंगा। जो फर्स्ट ईयर में हमने पेड़ लगाया था डिसअपॉइंटमेंट का, उसके नीचे बैठ के हम बहुत रोए। हमने कहा जिंदगी बर्बाद कर ली हमने। हम पहुंच गए अपने अपने घर, 3 महीने तक हमें कोई लेने नहीं आया। 3 महीने के बाद किसी ने हमें बताया कि एक होता है लिंक्डइन, इस पे अपना अकाउंट बनाओ। हमें लगा ये फेसबुक है। हमने अपने पूरी परिवार की फोटो डाल रखी थी उसमें। मेरी डीपी याद है मुझे कि मेरे चाचा की शादी हुई थी, तो मैं पीछे खड़ा हूँ उसमें, उसकी फोटो डाल रखी थी मैंने। फिर किसी ने बताया बुद्धू इसमें होता है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स को बात करो उनसे। तब मैंने लगभग 100 ह्यूमन रिसोर्स को लिखा मुझे जॉब चाहिए, बस जॉब चाहिए। उसमें से एक एचआर ने बोला आ जाओ। That's why I love HR. तेरी आ जाओ, कहती सीवी ले आना। अब मानोगे नहीं, मेरे कॉलेज का पहला ऑफिशियली प्रिंटआउट मेरा सीवी है। तब याद है आपको लगता था ऑब्जेक्टिव टू बिकम एन एसेट टू द कंपनी,
मेरे सीवी पे ऐसे मैंने लिखवा के प्रिंट आउट लिया, फटाफट मोड़ा, पिछले जेब में रख के ले गया मैं। मैं पहुंचा, मैंने उसको हैंड ओवर किया, उसने खोला, उस पर लिखा ऑब्जेक्टिव टू बिकम एन एस टू द कंपनी। वो एचआर लगभग 4 मिनट तक रॉफल हुई है, कहती है तो रियलिटी लिख के ले आया, जान ही खाएगा ये। और फिर उसने पहला सवाल दागा, कहती रजत ये कॉलेज कहां पर है। दोस्तों मुझे कॉलेज से पास आउट हुए 10 से 12 साल हो रहे हैं, मैंने इतने टाइम आज भी लिया है बताने में, नाम नहीं बता रहा मैं अभी भी, उस दिन मैंने क्या मचाया होगा सोचो। मैंने कहा मैम काफी दूर। कहती रजत इलैबरेट। मैं कहा इलैबरेट। मैं कहा मैम डू यू ड्राइव। कह रही आई ड्राइव। मैं कहा ड्राइव करते करते ना थोड़ी देर बाद एक अंदर से आवाज निकलती है और कितना दूर। मेरा कॉलेज इससे भी 25 किलोमीटर आगे बैठता है। उससे बड़ा मजा आया। कह रही फालतू की बातें बहुत अच्छी करता है, क्लाइंट के लिए परफेक्ट रहेगा। फिर समझा रजत इलैबरेट मोर। मैं कहा मोर भी चाहिए इसको। हम सबका ना एक 12th का दोस्त होता है जो हमें कहता है कि भाई एक दिन मैं भी तेरे कॉलेज आऊंगा और देखूंगा कि तेरी क्या ऐश चल रही है भाई, मजे तो तेरे ही है भाई। कह रही हाँ होता है। मैंने कहा ये मेरा दोस्त एक दिन गूगल मैप फॉलो करता मेरा कॉलेज आ रहा था। कह रही फिर मैंने कहा गूगल मैप में कोई होती है लड़की जो रास्ता बताती है। कह रही आया। मैंने कहा इस लड़की ने अपने पूरे कार्यकाल में पहली और आखिरी बार किसी को रास्ता बताते बताते बीच में 2 बार उबासियां ली थी। राइट लेफ्ट तो जाना क्यों बेटा वहां पे। उसे बड़ा मजा आया। कह रही यार ये इसके अंदर अलग सा टैलेंट है कुछ। कह रही रजत आप सेकंड राउंड में चलो। सेकंड रूम में ले गई, उसने मुझे दिया एक क्वेश्चन पेपर, उससे 5 क्वेश्चन लिखे थे। मैंने जैसे पेपर देखा मैंने पहले बनाया ओम और फिर आया पहला सवाल राइट समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आजकल ये लोग पूछ लेते हैं फेस टू फेस, उसके अंदर राइट समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और मुझे लगा ये आंसर होना चाहिए रिसोर्स के अराउंड। किसने दिया है? कोई 1 साल के अंदर का बच्चा है? कोई 1 साल के अंदर जॉब करने वाला? 1 साल के अंदर वाले कोई है? अच्छा आप 1 साल के अंदर हुआ, पता मेरा आपका 1 साल, 1 साल के अंदर क्या लिखा था आपने अपने सीवी में? वो टीम प्लेयर। हाँ एनर्जी क्या लिखा था? प्रॉस्पेरिटी पे पहुंच गया। लक्ष्मी माता। गुड गुड अच्छे ठीक है कोई बात नहीं। मैं अभी उसी बार फिर हमारे कहा ठीक है क्या लिख। तो मैंने लिखा ह्यूमन रिसोर्स का आंसर होना चाहिए। तो मेरा आंसर था आई एम एन एनर्जेटिक रिसोर्स। So energetic that you can consider me as a renewable source of energy. भाई वो कोने में आके हंसी है 2 मिनट तक। Second सवाल, any team activity you have done in your college? मैंने कहा workshop बनाई है। Second लिखा था 2 पॉइंट लिखे थे, पहला second पॉइंट लिखा। मैंने कहा एक बार मेरे दोस्त का फोन आया रजत भाई कॉलेज फटाफट आ जाओ, लड़ाई हो गई। हम 4 लोग स्कूटी से गए, फिर 5 मिल के पिटे। इससे अच्छी टीम एक्टिविटी क्या होगी। फिर आया तीसरा सवाल था सैलरी एक्सपेक्टेड। मेरा आंसर था यस। और वो भी कैपिटल में। मैंने कहा ये पार्ट्स कितना कर जाए औरत। और मुझे पता था कि पूछेगी इलैबरेट, तो ब्रैकेट में लिखा था 3 टाइम भरपेट खाना एंड आई एम ऑल योर्स। भाई उसने मेरा पेपर छीना है बीच में। मैंने कहा 2 क्वेश्चन, कह रही हमें टैलेंट दिख गया, आप इधर आ जाओ। फिर ले गए मुझे तीसरे रूम में। याद है आपको तीसरे रूम होते हैं ऐसे कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं जिसमें लेदर की बड़ी बड़ी चेयर लगी होती हैं, बड़ी लेदर की चेयर होती हैं, दे डोंट इंटरेक्ट, मतलब वो बड़ी उसमें क्रिएटिव वाइब नहीं आती, बस मौत होती है उसमें से। उसी वो बैठते हैं उसमें ले गई, कह रही सामने बैठो आप, ठीक है आई कैन सेंस कोई हमारे बीच में एचआर भी आया है। अच्छा मैम आप एचआर हो, आप आगे के बैठ गए। हर जगह इंपॉर्टेंस। कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं, इस शो के बाद आपको सभी आई लव यू बोलेंगे, यू नीड दैट, यू डिजर्व दैट। कोई बात नहीं सर आपका नाम? जतिन। खड़ा सर।
पहली बार मैंने एजर कांपता देखा है। तुम बुरे लोग तो हो। ये इनके अंदर का वो है, कोई बातें में कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी शादी हुई, आपने रिक्रूट की? अरे नहीं, मतलब जान रहा हूँ मैम, आपको क्या सीवी देखा, आपको क्या देखा इन्होंने ऐसे पूछा? नहीं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? आपने बोला इन योर आर्म्स। अरे तुम बहुत ही बुरे लोग हो, पता है? नहीं नहीं, अच्छा मैम कोई बात नहीं, दीज गाइस जेलस ऑफ यू, इग्नोर, वो तो खैर आदत ही होगी आपको। अरे तुम हर जगह, आपको डसा इन्होंने? कोई बात नहीं, बोला आपको वेरिएबल देंगे? नहीं नहीं मैम, देते देते हो आप, देते हो, जॉब छोड़ो ना। मैम आपका नाम? मालविका। मालविका, मालविका नाम भी अच्छा सर आपका। जतिन। जतिन कोई दिक्कत नहीं, जतिन ये शो में इज्जत करने सिखाता हूँ, इनके अंदर पहले नफरत निकाल रहा हूँ बाहर। इनके अंदर जो जहर बसा ना, तुम्हारे जहर वो निकालूंगा, उसके बाद दे विल से आई लव यू टू यू। ठीक है, एक तो सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सारे लोग ओके, मैं चेक कर लेता हूँ, एम आई ऑडिबल? फिर ठीक है, हाँ कर रहे हो आप लोग। जतिन मैं आप दोनों को मौका दूंगा इस शो में, इन सबके मुंह पे एक वर्चुअल थप्पड़ मारो आप, ये आपके बारे में गलत बोलते रहते हैं, आपको मौका दूंगा मैं आपको। ठीक है, पहले इनसे जान लूँ कि तो लगता है एचआर काम नहीं करता, बताना मुझे एक बार बस। देखो कुछ ही लोग हैं, देखो बस इन्हीं को कन्वर्ट करना है मुझे, मैं भी कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप मालवीय का इस सवाल का जवाब तो मैं पूछूंगा आपसे, इनके मुँह सब पे वर्चुअल थप्पड़ पड़ेगा, कोई लोगों को दोनों मुंह में लगाना लेफ्ट राइट। ठीक है, बस सवाल का जवाब दो, इनको पता लगे कि तुम काम करते हो। ठीक है मालवीय का, कभी आप छुट्टी लेते हैं? ठीक है जितिन भाई, छुट्टी लेते हो? जब आप छुट्टी लेते हो, एक जिस दिन आप छुट्टी लेते हो और आपका एक नॉर्मल वर्किंग डे में डिफरेंस क्या होता है? अरे 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 व्हाट इज दिस यार, उन्होंने जवाब दिया शी विल गेट बैक टू मी। अरे बहुत बुरे लोग हो तुम सारे यार, बहुत बुरे लोग हो तुम ना यार, अंदर ना भरा हुआ है, मैं इनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। इतना बुरा नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कोई बात नहीं। या मैम क्या है, सपोर्ट तो मिल ही गया ना? नहीं सपोर्ट, आपको पता है कभी भी एचआर अकेले नहीं आता, झुंड में आता है, पता है आपको? देखा आपने कभी ऑफिस में? क्योंकि इन्हें पता है कि अकेले आए तो कोई भी कूट देगा। देखा आपने वो एचआर का गैंग, तो तितली वाला गैंग, तितलियां बोले मैम आपने मुझे बुलाया। एचआर का पूरा गैंग होता है भाई, ये पूरा गैंग आता, पूरा इकट्ठा, वो लेकर आई अपनी 5 तितलियां, टोटल मिला के 5 तितलियां, फिर आपने मुझे बुलाया, फिर 5 इकट्ठी हुई, सिंगिंग करती है सिंगिंग ऐसे। तो कह दी रजत, हम ना कुछ लोगों का पोटेंशियल पेपर पे कैप्चर नहीं कर पाते। मैंने कहा या आई कैन रिलेट, मैं देख ही पा रहा हूँ, बल्कि आपने 2 क्वेश्चन के तो आंसर लिखने भी नहीं दिए, आपको तो लगा बीच में टैलेंट खींच लूं। करी विल जस्ट आस्क यू समथिंग, जस्ट आंसर इट। ठीक, करी गर्ल्स रेडी? एक दूसरे से कर रही हूँ, फिर उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े, मैंने कहा मैं पकड़ लूँ, करे आपके नहीं, ये हमारा ही है। मुझे लगा उनका रिचुअल होगा कुछ, इतना टैलेंट अबंडेंस में पहली बार ही देख रहे थे वो लोग। अब आप खुद इमेजिन करो, एक 20.5 साल का बच्चा कुर्सी बैठा हुआ है, पास सामने 10 आंखें उसको देख रही हैं, उसने सीधा सवाल पूछा, कहती रजत सिंपली टेल मी योर स्ट्रेंथ। अब एक 20.5 साल का बच्चा, उसे 10 आंखें देख रही हैं, प्रेशर तो बनेगा ही ना। मुझे लगा मैं ऐसे क्या आंसर दे दूं कि इनकी ऑन द स्पॉट डेथ ही हो जाए। डेथ मैं ना आज उसको जब कैलकुलेट करता हूँ, सोचता हूँ, मैं सोच सकता था, मैं कुछ सांस लेके कुछ बता सकता था, बट मेरे को एकदम प्रेशर बना, मैंने कहा आई हैव अ गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप इमेजिन करो एक कॉन्फ्रेंस रूम जिसमें एक 20.5 साल का बच्चा कुर्सी बैठा हुआ है, 5 HR 8 मिनट नॉन स्टॉप रफल हो रही है, वो तो कूदी की हाँ हाँ ऐसे कूदी जा रही है। मैंने कहा त्राही माम बचाया क्या मैंने? उसके बाद 8 मिनट के बाद एक उठी है कुर्सी के नीचे, सीट से नीचे निकल के,
मैंने कहा एनी मोर क्वेश्चन? नहीं 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 नहीं। फिर थोड़ा सांस लिया उसने, सबको सांस, मैंने पानी नहीं पियो ऐसे बेटा। कहती मैं कह मैम कुछ कहती रजत हम आपको हायर नहीं कर सकते सॉरी। मैंने कहा इलैबरेट। कहती एक्चुअली ना जो हमारी लोकेशन ना वो काफी रिमोट है। मैंने कहा मेरा कॉलेज ऑन द वे ही पड़ता होगा, बल्कि मेरा कॉलेज 3-4 किलोमीटर आगे बैठेगा। मुझे टाल रही करी नहीं द प्रोफाइल वी आर लुकिंग दिस दिस। मैं कहा फालतू की बातें नहीं, आपने मुझे तीसरे राउंड पे लाया, मुझे लगा था मैं मैनेजर बन रहा हूँ। कह रही मैनेजर? मैं कुछ तो दो। कह रही ओके वी विल हायर ऐसा पर्सन। 5 लड़के नहीं बात करते ऐसे, वो डेटा इनका सिंक्राइज हुआ। फिर कहती हम विल हायर यू फॉर 3 मंथ एंड विल फिगर आउट कि आप क्या कर सकते हैं। बुरा नहीं है वैसे, ऑप्शन थी। मैं कहा डन कल से आ जाऊँ। कह रही कल से आ जाओ सुबह। मुझे नहीं पता आपको मैनेजर आपका कैसा मिला है, मुझे वो मैनेजर मिला था, वो था ना कंपनी में ना, कंपनी उसको मैनेजर बना देती है 6 महीने पहले, पर इनके नीचे कोई नहीं होता। नंगे मैनेजर। यह बंदा खुद को मैं लिखता था कुडोस टीम, वेल डन टीम, वी डिड, खुद ही को लिखता था बंदा। इसको मिला मैं, मुझे गेट तक लेने आया था ये। कह रहा डूड हम दोनों मिलके मचा देंगे, ऐसे करा मचा। मैंने कहा भाई साहब पता नहीं क्या ही मचाऊंगा मैं तो। इसने मुझे बताया, कह रहा डूड वी विल वर्क एज अ टीम, ऐसे होता ना पूरा लेक्चर दिया भैया टीम ऐसे वर्क करेंगे ऐसे। मैंने कहा टीम तो आज ही हो रही है। फिर मैंने पहले पूछा, मैंने कहा सर आपका मैनेजर बनने का एक्सपीरियंस कितना है? कह रहा जब तक तुम मेरे नीचे लगे हो, जब से तुम मेरे नीचे लगे हो उतना ही एक्सपीरियंस है मेरा। मैं काफ़ी नया आपके लिए। फिर उसने मुझे बैठाया, मुझे आज भी याद है पहली मिलाई कि वेलकम टू द टीम। आ गए टीम में, वेलकम हो गया। फिर सेकंड मेल जो आपको भी याद रहती होगी, शुरू की अपनी जिंदगी पहली मेल दूसरी मेल तो याद रहती है, उसमें था रजत प्लीज कन्वर्ट दिस वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ एंड शेयर एज सून एज पॉसिबल। अब आप यहां पे इतने लोग बैठे हो, मुझे बताओगे कि मैंने इंजीनियरिंग वर्ड फाइल को पीडीएफ बनाने के लिए करी है? मैंने अपने दोस्त को फोन किया, मैंने कहा भाई ये वर्ड को पीडीएफ कैसे करते हैं? वो मेरा दोस्त था, कह रहा मुझे पीडीएफ टू वर्ड तो पता है। मेरे ख्याल से पीडीएफ तो हाथ बन जाती है। फिर 5 मिनट बाद सर मेरे पास आया, कहती रजत आपने भेजी नहीं मुझे, अर्जेंट भेजनी थी कहीं पे। मैंने कहा सर मुझे आता नहीं। कह रहा पूछ लिया करो ना। फिर उसने खुद बनाई और भेज दी। मैंने कहा वेल डन टीम, वी डिड इट, कुडोस। तो वो बहुत ही ऑर्गेनाइज बंदा था, बहुत ही ऑर्गेनाइज, समझते हो ऑर्गेनाइज बंदे। हमारा भाई मैनेजर इतना प्यारा था, वो लेफ्ट मोजा लेफ्ट में पहनता था, इतना ऑर्गेनाइज। आपको पता नहीं लगा किसी को पता होगा लेफ्ट मोजा, मैं कहा धुलने का तो मेरे को सेम लगते हैं। मुझे समझा रहा कि धुलने का लेफ्ट ऐसा होता, मैं कहा मुझे नहीं जानना, मैं तो बल्कि 2 अलग अलग रंग ही पहनता हूँ, क्योंकि धुलने का मिलती नहीं कभी भी। वो गलत बोल रहा हूँ, ऐसी वाली बात है। तो मेरे पास कहता रजत ये ना टू डू लिस्ट बनानी होती है, टू डू लिस्ट। आप जैसी ऑफिस आओ हर दिन फटाफट टू डू लिस्ट बनाओ, ताकि आपको पता लगे कि आपको कितने काम करने और कितने आप निपटा चुके हो। भाई सही है, मगर डन। एक आध दिन ऐसे कराया मेरे को काम, फिर एक दिन ना मेरे क्यूबिकल पे आके खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। इसने गलती से ना ऐसे वो पेपर पढ़ा था, वैसे टू डू लिस्ट बनी थी, इसने बस खोल दिया, इसके हाथ कांप गए। ऐसे हो गया था भाई, क्योंकि टू डू लिस्ट में पहले लिखा था पॉइंट टू डू लिस्ट बनानी है। इसने वापस रखा उस साथ, कह रहा क्या पढ़ लिया मैंने आज ही। ऐसे भागते भागते अपने क्यूबिकल में चला गया था, कह रहा मैं क्या पढ़ लिया मैंने आज। फिर नेक्स्ट दिन आया और कहता रजत सुनो ये एक ब्लैंक पेपर लिया करो रोज, उस पर लाइन खींचा करो, यहां लिखो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। अब आप जितने भी कॉर्पोरेट में काम करते हो मुझे बताओ कौन सा काम अर्जेंट नहीं है कॉर्पोरेट में? सारे काम तो खड़े पांव आते हैं कि बस दे ही दो। इसने वो देखा पैड जिस पे लिखना था अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, भाई मैं इसकी आंखों में डर दिख रहा था कि आज क्या दिखेगा इसको। इसने आया ऐसे पेपर खोला, अर्जेंट का कॉलम बिल्कुल खाली, इंपॉर्टेंट में लिखा है ड्रिंक वाटर, कीप हाइड्रेटेड, सेकंड पॉइंट ईट फूड ऑन टाइम एंड रिपीट।
भाई दो मिनट के लिए उसको लगा कि आ पढ़ लिया मैंने, क्या क्या देखा मैंने, फिर वापस भाग कर क्या करा। हाँ मेरी स्पीड आ गई थी एक मिनट में 60 मेल्स। जब इसके पास 120 मेल इकट्ठी पहुंची, इसका लैपटॉप हिल गया, क्योंकि मैं हर मेल में कर रहा था FYI। वो भाग के मेरे पास कह रहा, भाई तुम डाकिया नहीं हो, मेलों में कुछ लिखना भी होता है। नेक्स्ट दिन से लुक इनटू दैट। क्या बंदा पकड़ा है याद किया मैं यार। उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था भाई, बहुत टफ तो दिया था, मचा तो रहे हम दोनों मिलके से। एक तो गिव मी लाउड चेयर, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग एग्री करोगे, क्योंकि आप लोग कॉर्पोरेट में काफी काम कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो। थोड़ा सवाल है, कितनों को लगता है कि ऑफिस में एक एक्स्ट्रा मेटल अफेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया है? बस क्लैप कर दो, मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि जो नहीं कर रहे उनके चल रहे हैं। अरे कुछ तो चलिए। एक बार तो बताओ, एक बार बस एचआर ने क्या कह दिया कि हम फैमिली की तरह काम करते हो, तो फैमिली बना थोड़ी लोगे। भाई इन दोनों का फिर चल रहा है, दोनों का मैट चल रहा है, पहले तो हमें पता लगा वो, पर धीरे धीरे इनकी वाइब आती है, समझते भाई आपने देखा है? जैसे ना ये मेरे क्यूबल पे खड़े, दोनों से खड़े मंडे को, वो कह रहे हैं अरे आप पे तो ब्लू बहुत सूट करता है क्या, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मंडे ब्लू। बातें ये दोनों कर रहे हैं, टर्न ऑन मैं हो रहा हूं। ऐसे तरंगे छोड़ रहे हैं दूसरे के। भाई मैंने पर कैंसिलेशन होता है ना, नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन लगा रखे, उसमें तरंगे आ रही है इनकी। एक तो कभी अपने ऑफिस में वो किया है, मौत का नशा किया, मौत का नशा नहीं किया ऑफिस में? अरे मेरे को होता था, मैं तो दिन में 3-4 बार करता था। आई विल टेल यू, वो कभी आप बैठे हो चेयर बैठे हो और बैठते बैठते पीछे करके वापस आते हो एकदम से। भाई क्या एडिल रश होता भाई उसमें, तब फिर चुके हो 3 मिनट लगते हैं ऐसे वापस। भाई मैंने तो बहुत किया, 3 बार किया दिन में, समझ आता था, मजा आ गया एकदम से भाई साहब। एक तो ऑफिस में सबसे अच्छा डिपार्टमेंट लगता है मुझे एचआर के बाद, लगता है आईटी डिपार्टमेंट। एनी अबाउट आईटी डिपार्टमेंट? अगर आपके फ्लोर पे कोई बंदा सिर्फ एक कोने में अपने लैपटॉप खोल के कर्सर हिला रहा है सिर्फ, एचआर के मुंह बोले भाई लगते हैं वैसे वो लोग सारे। भाई हमारा आईटी वाले पे कोई काम नहीं था, आई विल एक्सप्लेन। जैसे हमारे टाइम चलता था टॉरेंट, एनी अबाउट टॉरेंट? अच्छा टॉरेंट की पता खूबसूरती क्या है कि उसने आपको अच्छा सिनेमा दिखा दिया, वरना फिर तो नेटफ्लिक्स बाद में आ गया ना। जिसे वो क्या करता था, उसके हमारी कंपनी को मिलता 200 Mbps की स्पीड, अगर तो 198 तो ये अकेला पी रहा था, क्योंकि इसका डेस्कटॉप लगा हुआ है, लैपटॉप लगा हुआ है, उस पर सारी मूवी डाउनलोड हो रही है। ये बड़ा होता था, अब इस बंदे को मूवी का इतना नशा आप बिल्कुल नहीं करोगे। ये सुबह आता था, पंच किया, चाय पीने बैठ गया, और अब 9:30 से 10:30 तक एक मूवी देखेगा फास्ट फॉरवर्ड करके, फिर 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 12:30 से 1:30 ऐसे पूरे दिन। और फिर घर के लिए 4-5 ले जाता था मूवियाँ, होमवर्क। बीच में बोलो लैपटॉप ठीक कर दे, कह रहा फॉर्मेट कर लो, रिब्यूट कर लो। भाई एक बार तो हद को बोला, कह रहा एक बार क्या करो लैपटॉप खोल के गायत्री मंत्र पढ़ो। 4-4.5 साल तक मैंने उसको देखा ये ऐसे काम कर रहा था, पर 4.5 साल वाला मानोगे नहीं, बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड तमिल तेलुगु ये जितनी भी साउथ इंडियन डब भोजपुरी सारी फिल्में, इन सब इंडस्ट्री ने उसको मेल लिखी इकट्ठी। कह रहे हमने 2 दिन की शूटिंग करी है, आप ये देखो बाकी हम भेजते रहेंगे आपको, आप मत रुकना कभी भी। ये चल रहा है इसकी जिंदगी में। भाई गिव मी लाउड चीयर, ऑफिस इज नेवर अबाउट कि आप कितना काम करते हो, बस आपको दिखाना है कि आप काम करते हो। यस ये मुझे धीरे धीरे समझ में आया, आई विल एक्सप्लेन। हमारे सामने से ऑफिस में से हमारी टीम में हम ग्रो कर रही थी 3-4 लोग और आगे टीम बढ़ती गई। अब आप यकीन करो, एक हमारी टीम में आया, उतना वो बिल्कुल बॉस का लाडला बनने के लिए रेडी होता है कि बॉस की हर बात पे, वो लाडला था बॉस का, मतलब ऐसा था कि जिस दिन लाडला नहीं आ रहा उस दिन हमारे मैनेजर का मन लग रहा, जिस दिन मैनेजर नहीं आ रहा उस दिन लाडले का मन लग रहा, जिस दिन दोनों आ रहे उस दिन मेरा मन लग रहा। एक दूसरे के प्यार में पागल थे दोनों, एक जो सर कहेंगे वो हो रहा है ऐसा आपस में, वो वाला है चल रहा है इन दोनों का। एक दिन सर बीमार हो गए, वीडियो कॉल कर रहा है सर को, मैं इतना तो नहीं जाना चाहिए आगे तक। इस बंदे ने सीखा कि भाई काम करने की एक्टिंग कैसे करो। इसका बेस्ट तरीका जो मैं आपको समझाता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको ना, खाना लंच नहीं करना है, स्किप करना है, चाहे आप लिक्विड डाइट पर हो।
सर आपका एक साल हुआ ना मैम, मेरा एक साल तो इसी में निकल गया था कि मेरे ऑफिस में कॉफी मशीन लगी हुई है, जितनी मर्जी पी लो। ये लोग क्या करते हैं, ऑफिस में आएंगे लंच नहीं करेंगे और सबको बताएंगे हम लंच नहीं कर रहे, बहुत काम है लंच नहीं कर रहे, कर ही नहीं पा रहे। और फिर ये लंच करते हैं 4:30-5 बजे, ताकि पूरा ऑफिस जैसे जैसे लंच खोला पूरे फ्लोर में फैल गया गोभी 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 गोभी। सर आए क्या करो, कर लंच कर रहा हूँ सर। ओ इतना काम, आराम से करो लंच करो तब करना, टेक यू टाइम, ऐसा प्यार दिखा रहा है उसे। मैंने कहा मुझे भी ये प्यार चाहिए। नेक्स्ट दिन बोला 5:30 बजे लंच खोल के, सर करो लंच कर रहे हो, मैंने कहा कल का। वो समझ गया, कह रहा तुम सही आदमी तो नहीं हो। फाइनली बेचारे ने फिर उसने ऑफिस रिजाइन किया, उसने रिजाइन किया बॉस ने मेरे, कह रहा मुझे कहीं अच्छी जॉब मिल गई है रजत, खुश रहना जिंदगी में जहां भी रहना। पर मुझे समझ नहीं आता कि फेयरवेल में हम क्यों देते हैं गिफ्ट किसी को। उसका CTC बड़ा है, मेरे CTC से 50 रुपए आज कम हुए हैं। वो चला गया, मैंने कहा बहुत सही है, पर जाते ना समझाया रजत तुम ना काफी रॉ हो, मैं आपको समझाऊंगा कॉर्पोरेट कैसे काम करता है ताकि तुम्हारी जिंदगी में काफी तुम सही रहोगे। मैंने कहा बताओ सर, तो मुझे पनवाड़ी की दुकान पे ले गया, समझाता कहता रजत भाई सुनो, और जो उसने सुनाया आई एम जस्ट कोटिंग द सेम स्टोरी क्योंकि आपको समझ में आएगी, तो मुझे तो बहुत टाइम बाद समझ में आई। उसने समझाया कहता रजत भाई समझो, आप बहुत नए हो तो समझो जिंदगी में क्या करना है आपको। मैं बताओ, कह रहा एक बार एक MD अपनी BMW गाड़ी में जा रहा था एक रोड पे, अचानक देखता है कि रोड पे एक आदमी घास खा रहा है। क्या खा रहा है? तो उसको बुरा लगता है, वो अपनी गाड़ी रोकता है, वो आवाज मारता है भैया क्या कर रहे हो? कह रहा भाऊजी पैसे नहीं है इसलिए घास कह रहा हूँ। अरे यार ये घास खा रहा है। कह रहा काम को चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो आई विल फीड यू, मेरे घर चलो आई विल फीड यू। वो कह रहा भाऊजी आज खिला दोगे कल कौन खिलाएगा? कह रहा कल का मालिक कोई और होगा यार, आज मेरे साथ चलो। वो आ जाता गाड़ी में क्योंकि भूखा था, वो बैठ गया गाड़ी में। अब वो BMW चल रही है, आराम चले जाए चले जाए। तो सातला बंदा कहता जो गरीब आदमी MD को देख, कह रहा भाऊजी बड़ी मेहरबानी की आप मुझे अपने घर पे खिलाने ले जा रहे हो। तो MD कहता है चिंता मत करो, मेरे घर पे घास 2 मीटर लंबी है। इट विल टेक टाइम, जब आप खुद घास खाओगे ना। हे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड इसी के साथ मैं अपने स्टैंड अप के अंदर 10 साल पूरे कर रहा हूँ, एक लंबा सफर है। मैंने ये जॉब के साथ स्टैंड अप स्टार्ट किया था और पिछले 5 साल से मैं जॉब के बिना ये कर रहा हूँ। मुझे बहुत मजा आया अभी तक इस 10 साल के सफर के अंदर। तो जस्ट बी विद मी। एंड मुझे पता है कि बहुत सारी फैमिली होंगी जिसका मैं फेवरेट हूँ, मतलब किसी का मम्मी का फेवरेट, किसी का पापा का फेवरेट, या किसी के घर में किसी का भाई बहन का फेवरेट। मुझे बहुत वाले मैसेजेस मिलते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि आप लोगों की ब्लेसिंग है कि सफर इतना लंबा रहा है और काफी अच्छा सफर रहा है। सो आई एम जस्ट हैप्पी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली शेयर करें, लाइक करें और जो मन करे करें। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, नमस्ते।